बेवकूफ, यह कमीने कसाईयों की तरह गाय और बछड़ों को मार रहे हैं। गौ को इस संकट से मुक्त कराओ, मरो लेकिन अंग्रेजों को मारकर, नपुंसक होकर धरती पर बोझ न बनो। इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। अंग्रेज नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज की चर्चा तीन ऐसे अमर बलिदानियों के बारे में जो तीनों सगे भाई थे, और इन तीनों के बलिदान के साथ ही माना जाता है कि क्रांति युग की शुरुआत हुई भारत में। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो लगभग खत्म हो चुका था, उसकी यादें बाकी थी और बाकी कहीं कुछ वैसा नहीं हो रहा था जिसे अंग्रेज अपने लिए खतरा महसूस करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम उन हृदयवान साथियों के प्रति, महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को, हमारे इस शोध कार्य को जारी रखने और आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। बहरहाल 1897 वो साल है जब ये माना जा सकता है कि भारत में विधिवत क्रांति युग की शुरुआत हुई, या पहला जो क्रांतिकारी कदम उठाया गया वो 1897 में हुआ। ये था कि पुणे में काफ़ी तेजी से प्लेग फैल रहा था, तेजी से लोग मर रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर एक विशेष अधिकारी भेजा प्लेग कमिश्नर बना करके, नाम था रैंड। और रैंड ने आकर के सख्ती से, या सख्ती से अधिक बल्कि इसके लिए सही शब्द है, क्रूर तरीके से वो शुरू कर दिया अपना हिसाब किताब, अपना काम करने का तरीका वो आजमाने लगा। घरों से लोगों को बिना मोहलत दिए बर्तन उठाने का, कपड़ा उठाने का भी समय नहीं दिया और लोगों को घरों से निकालना शुरू कर दिया। घरों को उसके बाद निकाल करके जलाना, ढहाना, ये सब करने लगा। तो इसे देख करके, ये सब जगह किया जा रहा था, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। किसी को भी समय नहीं दिया जा रहा था कि वो थोड़ा सा अपना जरूरी सामान जीवन यापन का भी ले ताकि वो बाहर जी सके। इसकी तुलना आप पिछले साल के अचानक लगाए गए लॉकडाउन से भी कर सकते हैं, जब लाखों लोगों, बल्कि करोड़ में यह संख्या हो सकती है, देश भर से जब जोड़ा जाए, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक और मुंबई से लेकर के गुजरात तक, लाखों गरीबों और मजदूरों को सड़क पर पैदल चल करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनको हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ी अपने सामान के साथ, अपने बच्चों के साथ, लगातार दिन रात बिना किसी सुरक्षा के। वैसी ही लगभग स्थिति वहां भी थी। इस मामले को लेकर के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी काफी अधिक उग्र थे। उन्होंने, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 4 मई 1897 को केसरी में एक लेख लिखा और उसमें लिखा कि ये प्लेग का बहाना है, दरअसल सरकार की मंशा आम जनता पर जुल्म ढाना है। आप देख लीजिए, लॉकडाउन में भी करीब करीब ऐसा ही हुआ था कि सारे लोग घर पहुंचे। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली में ही रह गया लॉकडाउन के नाम पर, कोई मजदूर, या सूरत में रह गया, या मुंबई में रह गया, या दक्षिण भारत में कहीं रह गया, सब लोग अपने घर लौटे ही। लेकिन वो अपनी हैसियत का अंदाजा लगा करके, जब करोड़पतियों के बच्चों को या करोड़पतियों को विदेशों से हवाई जहाज से लाया जा रहा था, एयरलिफ्ट किया जा रहा था, घर तक पहुंचाया जा रहा था, उसी दौरान लाखों गरीबों की क्या दशा हुई थी, किस तरह उन्हें तड़प तड़प करके चलते चलते मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कहीं रेल की पटरियों पर मर रहे हैं, कहीं सड़क पर चलते चलते मर रहे हैं। वो स्थिति थी वहां, कहां, पुणे में 1897 में। और तिलक ने लिखा कि सरकार की मंशा गरीबों को, भारतीयों को कुचलना है, उनको अधिक से अधिक उनका उत्पीड़न करना है प्लेग के नाम पर। और फिर 12 जून 1897 को उन्होंने एक लंबा भाषण भी दिया। ये उनका भाषण काफी आपत्तिजनक माना गया और ये भाषण को सिडिशन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी। अब जान लीजिए थोड़ा सा सिडिशन कमिटी, इसलिए कि आने वाले दूसरे वीडियो में भी इसका जिक्र हो सकता है। 1919 में जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी जिसे सिडिशन कमिटी कहा गया। याद रखिए, इसी कमिटी की सिफारिश पर फिर जो एक्ट बना जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था। तो जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी, 1919 की ये बात है,
ये कमिटी जब बनी और कमिटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी, सिडिशन कमिटी जिसे कहते हैं, तो सिडिशन कमिटी की रिपोर्ट है में तिलक का ये भाषण भी है कि जिसमें उन्होंने लोगों को भड़काया। तिलक ने अपने उस भाषण में जो 12 जून 1897 को उन्होंने दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा, क्या शिवाजी ने अफजल खान को मारकर कोई पाप किया था? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में मिल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अपने गुरुओं और बांधवों तक को मारने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह किसी भी तरह का पाप का भागी नहीं बनता है। शिवाजी ने अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ नहीं किया था, बहुत ही नेक इरादे के साथ दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अफजल खान का वध किया था। चोर अगर हमारे घर में घुस आए और हमारे अंदर उनको बाहर निकालने की ताकत ना हो तो बेहिचक दरवाजा बंद करके उनको जिंदा जला देना चाहिए। ईश्वर ने हिंदुस्तान के राज्य का पट्टा ताम्र पत्र पर लिखकर विदेशियों को तो नहीं दिया है। शिवाजी महाराज ने उनको अपनी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ने की कोशिश की, ऐसा करके उन्होंने दूसरों की वस्तु हड़पने का पाप नहीं किया। कुएं के मेंढक की तरह अपनी दृष्टि संकुचित मत करो, ताजी रातें हिंद की कैद से बाहर निकलो, श्रीमद् भागवत गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में पहुंचो और महान व्यक्तियों के कार्यों पर विचार करो। ये तिलक ने कहा था 12 जून 1897 को, इस भाषण को सिडिशन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा। लोगों में उत्तेजना फैलती जा रही थी, आक्रोश बढ़ता जा रहा था, और फिर हुआ क्या, 22 जून 1897 को विक्टोरिया का 60वां राज्याभिषेक दिवस समारोह मनाया जा रहा था। पुणे में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था गवर्नमेंट हाउस में। रैंड और एक और अधिकारी आयर्स्ट दोनों चले आ रहे थे बग्घी पर और इधर इंतजार कर रहे थे दामोदर चापेकर, उनके भाई बालकृष्ण चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के एक और दोस्त थे विनायक रानाडे। ये तीनों इंतजार कर रहे थे। वहां से समारोह से रैंड और आयर्स्ट बाहर निकले। रास्ते में ये तीनों इंतजार कर रहे थे, बघी बाहर निकली, बघी चली जा रही थी, पीछे से दामोदर चापेकर चढ़े रैंड की बघी पर और रैंड को गोली मार दी। बालकृष्ण चापेकर ने आयर्स्ट को गोली मार दी। दोनों अधिकारियों की मौत हो जाती है, जनता में सनसनी फैल जाती है। पहली बार जनता को लगा कि अंग्रेज अधिकारियों को भी मारा जा सकता है। ये बहुत बड़ा कारनामा हुआ था। पहली बार लोगों को लगा कि अंग्रेजों को भी मारा जा सकता है, उनसे भी बदल लिया जा सकता है, उनसे भी हिसाब बराबर किया जा सकता है, उनकी क्रूरता और जुल्म का भी जवाब दिया जा सकता है। और इस तरह से ये लोग वहां से मार करके निकल गए थे। गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ दो लोगों ने, जो पहले से साथी थे चापेकर बंधुओं के, उन्होंने इनाम के लालच में गद्दारी कर दी। सरकार ने इनाम घोषित कर दिया था इन लोगों को पकड़ने पर कि जिन लोगों ने भी मारा है, और इन द्रविड़ बंधुओं ने, दोनों द्रविड़ बंधुओं ने, गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ ने बता दिया कि मारने वाला कौन है। और इस तरह से दामोदर चापेकर गिरफ्तार हो गए। हालांकि बालकृष्ण चापेकर उस समय भी फरार थे, लेकिन बालकृष्ण चापेकर की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत सारे लोगों को और उनके परिजनों को खासतौर पर पुलिस बहुत अधिक परेशान करने लगी। उस स्थिति में बालकृष्ण चापेकर ने भी सरेंडर कर दिया। और इधर तीसरे एक भाई और थे चापेकर के, नाम था उनका वासुदेव चापेकर। घर एक दिन आए और अपनी मां से बोले कि मां, तुम्हारे दो बेटे इस देश के नाम अपना जीवन कर चुके हैं, अब मेरी बारी है, मुझे भी आशीर्वाद दो। मां ने आशीर्वाद दिया। वासुदेव चापेकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर के बाहर जाते हैं और साथ में लेते हैं वो दोस्त गोविंद विनायक रानाडे को। 9 फरवरी 1899 को जिन लोगों ने गद्दारी की थी, यानी गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, उन्हें गोली मार देते हैं ये लोग, और ये भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन्हें फांसी की सजा होती है चारों को, तीनों जो चापेकर बंधु हैं और गोविंद विनायक रानाडे हैं, इन सबको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 18 अप्रैल 1898 को सबसे बड़े भाई यानी दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दी जाती है। 8 मई 1899 को वासुदेव चापेकर को और 12 मई 1899 को
बाल कृष्ण चापेकर को यरवदा जेल में फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी बीच गोविंद विनायक रानाडे, जो इन लोगों के एक और सहायक मित्र थे, उन्हें भी 10 मई 1899 को यरवदा जेल में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। देखने में यह लगता है कि अचानक एक व्यक्ति का उभरा हुआ गुस्सा था कि उठा और मार दिया रैंड को गोली, लेकिन इसकी तैयारी पहले से हो रही थी, पहले से ही संगठन बन रहा था। इसका प्रमाण है सिडिशन कमिटी की रिपोर्ट में। सिडिशन कमिटी की रिपोर्ट बताती है कि 1894 में ही चापेकर बंधुओं ने पूना में शारीरिक और सैनिक प्रशिक्षण के लिए हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति के नाम से एक संगठन बनाया था, जिसका प्रचलित नाम था हिंदू संरक्षणी समिति। यह समिति हर साल धूमधाम से शिवाजी और गणपति उत्सव का आयोजन करती थी। इसमें दो प्रमुख श्लोक पढ़े जाते थे दोनों अलग अलग अवसर पर। शिवाजी जयंती समारोह जब मनाया जाता था तो एक श्लोक था शिवाजी श्लोक और एक गणपति श्लोक। शिवाजी श्लोक, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सिडिशन कमिटी की रिपोर्ट में दर्ज है। शिवाजी श्लोक भी उसमें लिखा हुआ है और शिवाजी श्लोक का हिंदी अर्थ इस तरह से उसमें दर्ज है, भांड की तरह शिवाजी की कहानी दोहराने मात्र में स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। आवश्यकता इसकी है कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ काम किए जाएं। आज हर भले आदमी को तलवार और ढाल पकड़नी चाहिए, यह जानते हुए हमें राष्ट्रीय संग्राम के युद्ध क्षेत्र में जीवन का जोखिम उठाना होगा। हम धरती पर उन दुश्मनों का खून बहा देंगे जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं। हम तो मारकर मर जाएंगे, लेकिन तुम औरतों की तरह सिर्फ कहानियां सुनाते रहोगे। ये शिवाजी श्लोक का अर्थ था। और गणपति श्लोक जो है वो इससे भी अधिक भयंकर था। गणपति श्लोक भी सिडिशन कमिटी की रिपोर्ट में दर्ज है और उसमें कहा गया है, अफसोस, तुम गुलामी की जिंदगी पर शर्मिंदा नहीं हो, जाओ आत्महत्या कर लो। उफ, यह कमीने कसाईयों की तरह गाय और बछड़ों को मार रहे हैं। गौ को इस संकट से मुक्त कराओ, मरो लेकिन अंग्रेजों को मारकर, नपुंसक होकर धरती पर बोझ न बनो। इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, अंग्रेज भला किस तरह यहां राज कर रहे हैं। ये गणपति श्लोक का अर्थ था। तो इस तरह से क्रांति की ज्वाला पहले से जलने लगी थी। अचानक उठ करके, क्योंकि क्रांतिकारियों का जब मूल्यांकन होता है तो इस गांड को देख करके ऐसा लगता है कि रैंड की क्रूरता से कोई उब करके उठा और गोली मार दी। नहीं, संगठन बन रहा था, लोगों के अंदर यह विश्वास भरा जाने लगा था। धार्मिक तौर पर ही ये कहानी थी चापेकर बंधुओं के बलिदान की। इनका महत्व चाहे जितना हो क्रांतिकारी रूप से, लेकिन उनका त्याग, उनका साहस, उनका देश प्रेम, उनकी वीरता हमेशा ही प्रेरणादायी है। ये जरूर कहा जाता है कि चापेकर बंधुओं के पास बहुत विस्तृत प्लान नहीं था कि आखिर ठीक है अंग्रेजों को भगा करके वो क्या करना चाहते हैं। वो बहुत बाद में क्रांतिकारियों को जरूरत पड़ी कि अब हमें भी अपना संविधान तैयार करना होगा, हम क्या चाहते हैं, हम किस भारत का निर्माण चाहते हैं, हम अंग्रेजों को भगा करके यहाँ करना क्या चाहते हैं, यहाँ कैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो बहुत बाद में हुआ। जाहिर सी बात है कि चापेकर बंधुओं के पास कोई बहुत बड़ी योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो मिसाल है। वो पहली बार हिंदुस्तानियों को लगा कि अंग्रेजों को भी जवाब उन्हीं के हिसाब से दिया जा सकता है। आप कहाँ सुन रहे हैं कहानी चापेकर बंधुओं के बलिदान की। इस वीडियो को खत्म होने से पहले हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमारी मदद करें। हमारे शोध कार्य को, हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमें आपसे आर्थिक मदद चाहिए। ये आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, आप उसके माध्यम से हमें मदद कर सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ भी जा करके देख सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि इस देश में क्रांतिकारियों ने कितनी अधिक कुर्बानी दी है, देश के लिए मर मिटने का कितना महान जज्बा था उन लोगों का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।